Hey guys, welcome back to 06 Study Point। और अगर आपने वीडियो देखी है अभी तक, आपने इस पे क्लिक कर दिया है तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर ओपन कर दी है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, 2 मिनट का टाइम निकाल के, 10 मिनट का टाइम निकाल के, जितनी भी इस वीडियो की लेंथ है, इस वीडियो को देखो और जो इस वीडियो में बताया गया है वो स्टेप को फॉलो करो, आपका एग्जाम क्रैक होगा। पहले भी बच्चों का एग्जाम क्रैक हुआ है आरआरबी जेई 2019 में, सेम चीजों को, सेम स्ट्रेटजी को, सेम बुक्स को, सेम नोट्स को फॉलो करके। अभी भी कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेम चीजें फॉलो करनी है। कंपटीशन और ज्यादा थोड़ा हाई है तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में। आपको बुक्स से लेके, आप अगर एक स्टूडेंट हो, आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक करी है, तो स्टूडेंट 6 से 7 महीने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में लगा देते हैं कि मेरी प्रिपरेशन में एक्चुअल में यूज क्या होगा। वो स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ बुक्स यूज कर लेते हैं कि कोई बता देगा ये वाली बुक लगेगी तो आप वो खरीद लेते हो, बुक्स खरीदते रह जाते हो 3-4 महीने तक। तो वो चीजें नहीं करनी है। जो चीजें इस वीडियो में बताई जा रही है पॉइंट टू पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। उसी के साथ साथ इस वीडियो के बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए उन नोट्स का सहारा ले सकते हैं, सीबीटी 1 के लिए भी, सीबीटी 2 के लिए भी। ओके, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली चीज, आपका पेपर पैटर्न की बात थोड़ी कर लेते हैं। सीबीटी 1 का जो आपका एग्जाम है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ठीक है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे और मैथ में आपकी जो आप बुक यूज कर, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसका मतलब है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया है। तो बुक तो आप कोई भी यूज कर लो, सारी बुक अच्छी होती है, लेकिन कुछ बुक्स होती है जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कराती है और कुछ वीडियोज ऐसी होती है जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कराती है। और जब तक आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं करोगे, आप 1 मिनट से कम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लस माइनस तो वहां पे आना नहीं है, प्रॉपर आपकी एप्टीट्यूड आती है। तो आपको आरएस अग्रवाल यूज करनी है, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी आपको आरएस अग्रवाल यूज करनी है, और उसी के साथ साथ आपको इन दोनों की, मैथ और रीजनिंग की, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है हर एक टॉपिक की। आप उसके लिए यूट्यूब यूज कर सकते हो, ऐसा कोई सिंगल कोई चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल है, जिसकी वीडियो अच्छी लगे आप उसकी देख सकते हो। आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल है सभी टॉपिक्स की, आप उनको यूज कर सकते हो। हम न्यू पोस्ट करेंगे उनको भी देख सकते हो, वरना यू आर फ्री टू वॉच एनी वन, यूट्यूब पे भरा हुआ है कॉन्टेंट। ठीक है, तो जस्ट सर्च करो और वो देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा देखो, जिसका मन करे उसका देखो, लेकिन देखो और एग्जाम की प्रिपरेशन करो। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सभी को पता है ल्यूसेंट, आपके ल्यूसेंट इज मोर देन सफिशियंट है, इसके लिए नहीं, आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं तो उन सभी के लिए वो सफिशियंट है। उसी के साथ साथ आपकी जनरल साइंस भी मोर देन सफिशियंट है और आपकी 10th क्लास तक की जनरल साइंस आपको कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपकी 4 बुक हो गई हैं। इसके अलावा सीबीटी 1 में आपको किसी की जरूरत नहीं है, अगर आपने 4 बुक कंप्लीट कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आपकी थोड़ी सी कट ऑफ की। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि किसी किसी जोन में आपकी जो कट ऑफ गई है वो 81 भी गई है, 82 भी गई है, 83 भी गई है और 71 भी गई है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरी क्या कट ऑफ जाएगी इस बार, तो सिंपल सी चीज है कि देखो कंपटीशन टफ है, वैकेंसीज आपकी इस बार हाफ हैं, आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे वो पहले से ज्यादा होंगे। लास्ट टाइम जो आपके फॉर्म फिल हुए थे वो आपके 32 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, इस बार भी जो आपका कॉम्पिटिशन है इतना ही ज्यादा होगा, लेकिन ये नंबर देख कर नहीं डरना है। जो आपका सीबीटी 2 में बच्चे जाएंगे वो 1:15 के अकॉर्डिंग जाएंगे और आधे बच्चे प्रिपरेशन करते ही नहीं है, ये एक फॉर्म का सिर्फ एक नंबर है। आपको सिर्फ डरना उसी से है जो आपसे पहले पढ़ना शुरू कर रहा है और आपसे ज्यादा देर तक पढ़ रहा है। क्या आप दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो? नहीं। क्या आप अब से 6 महीने पहले से पढ़ रहे हो? नहीं। आप कोई ना कोई बच्चा है जो पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका 1-2 एग्जाम निकला हुआ अभी और वो आरआरबी भी देगा। एक बच्चा ऐसा भी है जिसने लास्ट टाइम एएलपी निकाल रखा है, वो इस बार आरआरबी देगा, वो एग्जाम निकाल चुके हैं। आपको सिर्फ उनसे खतरा है, बाकी किसी से कुछ खतरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसी सेम सीट के लिए। तो क्या आप उसके लिए डिजर्विंग है? उसके लिए डिजर्विंग होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और दैट यू हैव टू डू। ठीक है, उसमें हेल्प मैं आपकी करूंगा बट करनी आपको ही है। तो सेफ जोन, सेफ स्कोर जो आपका सीबीटी 1 में है सभी ब्रांच के लिए, सभी जोन के लिए, वो आपका अनरिजर्व के लिए 85 है, ओबीसी के लिए 81 है, एससी एसटी के लिए 78 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट बनेंगे, बोलेंगे कितने ज्यादा मार्क्स बता दिए 100 में से। तो देखो, इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, इतनी जाती है कट ऑफ, इतनी जाएगी, कॉम्पिटिशन हाई है। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी जोन के अकॉर्डिंग अगर 61 जा रही है तो मैं यहाँ पे आपको 61 बता दूं, आप 61 के लिए प्रिपेयर करूं और आपके मार्क्स आए 53, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं आपको 85 बता रहा हूं
तो अगर आप 85 के बजाय 81 स्कोर करते हो और 79 कट ऑफ जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो गया टायर वन में, ठीक है, टायर वन आपका क्लियर हो गया, सीबीटी वन क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ये अगर आप ये नंबर सेफ स्कोर का लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन सीबीटी टू के लिए हो जाएगा। सीबीटी टू में अगर आपको जाना है कोई भी ब्रांच आपकी है, ठीक है, जो सबसे जो हाई कट ऑफ जाती है वो देखो जाती है आपकी मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, उसके बाद जाती है सिविल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग जो भी है वो आपकी जो कट ऑफ है जोन वाइज से, जोन वाइज कैटेगरी वाइज, वो आपकी अनरिजर्व के लिए 125 आउट ऑफ 150, ओबीसी के लिए 120 और एससी एसटी के लिए 115 प्लस, ठीक है। ट्राई करना कि इससे ज्यादा मार्क्स तो आपके आए ही आए, वरना आपका सिलेक्शन भाई नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी कट ऑफ की बात, डिटेल्ड आपको वीडियो से रिलेटेड मिल जाएगी इन फ्यूचर, बट अभी के लिए आप इसको इतना लेकर चलो। फिर आते हैं, बाद हम आपकी बात करते हैं बुक्स के बारे में, मैकेनिकल और सिविल के बुक्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्टार्टिंग में यार हमेशा बताने भूल जाता हूँ, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो आप इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाके। उसी के साथ साथ मैंने इस वीडियो के नीचे ना लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम के, टेलीग्राम के आपके लिंक है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, तीनों के अलग अलग तीन ग्रुप हैं, उन तीनों ग्रुप में आपके पीडीएफ नोट्स पड़े हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के, मैकेनिकल के, तीनों के अलग अलग ग्रुप हैं, तीनों के अलग अलग ग्रुप में आपके पीडीएफ नोट्स पड़े हैं, उन पीडीएफ को डाउनलोड करो। वो आप जो नोट्स हैं वो आप सिर्फ एसएससी जेई आरआरबी जेई आपके गेट तक के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, तो उन नोट्स को यूज करो अपने नोट्स को बनाने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, मैकेनिकल के जो आपके बुक्स और नोट्स हैं, देखो सबसे पहले आती है एक हैंडबुक। हैंडबुक क्या होती है, उसमें आपके सभी चैप्टर्स होते हैं, उनके सभी फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी डेफिनेशन होती है। ये मेडिजी की बुक आती है, अमेजोन पे मिल जाएगी, कुछ 150 या 200 रुपए की आती है, वो बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, आपकी सिविल की भी और आपकी मैकेनिकल की भी, इलेक्ट्रिकल की भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, जो भी आपकी पर्टिकुलर ब्रांच है। उसके बाद आते हैं आपके नोट्स। नोट्स देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अब के नहीं पिछले 3 साल से डाले हुए हैं और वही नोट्स बेस्ट हैं, ठीक है, उनसे बेस्ट आपका कोई नोट्स नहीं है। इलेक्ट्रिकल का ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा, सिविल का ग्रुप आपको लिंक में मिल जाएगा और आपको मैकेनिकल का मिल जाएगा। जाओ वहां पे ग्रुप के ऊपर क्लिक करना और वहां पे जाके देखना पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है सब्जेक्ट वाइज, उनको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकालो, उनको रेफरेंस लेके नोट्स बनाओ और मैं ट्राई करूंगा कि मैं यूट्यूब चैनल पर भी आपके नोट्स प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। फिर आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। देखो प्रीवियस ईयर पेपर यू आर फ्री टू बाय ऑनलाइन, अमेजोन से बाय करना है अमेजोन से बाय कर लो, जहां से बाय करना है वहां से बाय कर लो, लेकिन हम अपने खुद के एप्लीकेशन पर हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन विद हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के भी, सिविल के भी। इनका जो प्राइस है वो 699 है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे सेल में ये आप 350 में ले सकते हो, जाकर बाय कर सकते हो। ये टेस्ट फॉर्मेट में है, ठीक है, जैसे आपके टेस्ट सीरीज होती है एक्चुअल में, जो आपका सीबीटी है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी तरीके से एप्लीकेशन में आपका दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, उसी के बाद आता है आपका क्या, हाँ उसके बाद आता है आपका यहाँ पे, फिर आता है आपका एमसीक्यू की बुक। प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने बता दिया, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है, तो कुछ आपके 5000 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन है इन टोटल, वो 350 के अंदर ही आपके 5000 प्लस क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर आपके डेट वाइज हैं, जिस डेट में जो एग्जाम हुआ था, जिस शिफ्ट में वो एग्जाम हुआ था, वो सारे पेपर उसमें अवेलेबल हैं। तो एप्लीकेशन को जाओ, उसमें फ्री में दिखाए हुए भी हैं कि आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है, एक्सप्लोर करो एप्लीकेशन को, बट सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक करो, एक्सप्लोर करो, अच्छा लगे तो बाय करो वरना मत करो। फिर आता है आपका एमसीक्यू बुक, ठीक है, हमको देखो एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम में जो आपका सीबीटी टू होगा उसमें जो आपका मेन है वो तो आपके 100 क्वेश्चन है टेक्निकल वाले, उनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100 में से कम 80 प्लस लाओगे और बाकी के आपके जो 50 नंबर है उसमें से आप 30 लाओगे तो 120 के आसपास पहुंचोगे, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 90 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने, आपको ट्राई करना है, ज्यादा ज्यादा आप 10 गलती कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, बीटेक स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हो, तो हम पीएचडी तो कर नहीं रहे, तो आप ये पूरे रिसर्च करने मत बैठ जाना। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको कब से करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको आज से और अभी से करनी है, हर दिन आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप चाहे तो आरके जेन यूज कर सकते हो, आरएस फॉर्मिकर यूज कर सकते हो, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो आपको ये दोनों यूज नहीं करनी, तो हमने इसी एप्लीकेशन पर आपके दो कोर्सेज बनाए हुए हैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के, जिसमें आपके 15,000 प्लस क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और फिर टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक के एक डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन पे अगर 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो हमने वो 10 क्वेश्चन बनाए हैं,
और अगर उनसे प्रीवियस ईयर पेपर में चाहे आपका एसएससी जेई हो चाहे आपका स्टेट के लेवल के जो जेई होते हैं आरआरबी जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी में जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने बीच बीच में वो भी उसमें इंक्लूड करे हुए हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है नॉर्मली आपको 2499 है, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे सेल में आप इसको ओनली 1150 रुपीस में ग्रैब कर सकते हो। सिविल और मैकेनिकल का हमने प्रिपेयर करा हुआ है, दोनों में आपके 6-6, 7-7 सब्जेक्ट डाले हुए हैं और नेक्स्ट वीक से आपके एक एक सब्जेक्ट इसमें हर वीक ऐड कर दिया जाएगा, विद इन 1-2 मंथ ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड है, वीडियो बेस्ड कोर्स नहीं है। जैसे टेस्ट सीरीज होती है ना कि क्वेश्चन है आप उसमें एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हो, टाइमर चलता रहता है और आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, 2 साल की वैलिडिटी है। तो अभी के अभी जाओ और उसको बाय करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो, हर दिन ट्राई करो कि आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब ये सेम 100 क्वेश्चन आप 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे तो वो क्वेश्चन देखकर ही आपको आंसर याद हो जाएगा, भले ही आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता, पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देख के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन लर्निंग अ कॉन्सेप्ट और रेदर देन बीइंग अ साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको कार नहीं बनानी है, आपको इंजन नहीं बनाना है, आपको एक पेपर निकालना है फॉर नाउ, तो प्रैक्टिस करना शुरू करो। जो अगर जब रिसर्च का टाइम आएगा तो रिसर्च भी करेंगे, उस लेवल का भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेंगे नहीं, जब सीबीटी 2 का टाइम आएगा वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सीबीटी 1 जब देते वक्त आप डेली सिविल और मैकेनिकल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये वाले जो दोनों कोर्सेस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में ये दोनों अवेलेबल नहीं है, तो मेक श्योर कि आप तभी बाय करें जब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के कोर्स के लिए ही प्रेफर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको बाय करें अगर उनको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो इफ यू आर इंग्लिश वाले इंग्लिश स्टूडेंट, इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश में एग्जाम देते हो तो ही इसको लो, क्योंकि काफी टाइम होता है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं फिर। ठीक है, तो अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो तो आप आर एस फुर्मी ले सकते हो, इन दोनों जो बुक्स हैं आपकी आर एस फुर्मी होगी, आर के जैन होगी, इसमें आपके 5000 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके काफी अब से 25 साल पहले से वो बुक चलती हुई आ रही है, वही ट्रेडिशनल बुक है, कोई अपडेट नहीं है उनमें क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे आपके काफी अपडेटेड कंटेंट है, तो चॉइस इज योर्स कि आपको क्या प्रीफर करना है, 5000 क्वेश्चंस या 15000 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी राइटर से बहुत बड़ा हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं और उनको बनाया है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेल है यार, इसमें आपके कूपन कोड यूज कर सकते हो इंडिपेंडेंस 400, तो आपका 400 का कूपन अप्लाई हो जाएगा। मैकेनिकल और सिविल का जो कोर्स है वो आपको ओनली 1150 मिल जाएगा, और ये जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली, ये आप बाय कर सकते हो ओनली एट ₹350। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई हैं, और जो आपके ग्रुप्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन से बुक यूज होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने 3-4 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, प्लीज, मेरे को पता है कि लगेगा कि काफी सारी चीजें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप 1-2 ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि कंटेंट आपका वहीं पर पोस्ट करा जाएगा सारी की सारी चीजें। अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपना डाउट बताइए और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको सॉल्व करूंगा। अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस डेडिकेटेड टॉपिक पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, आपका जो डाउट है पूछिए, आपको किसी चीज पे लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।